जिन्होंने इस दफ़ा सिलेक्शन किया, ओ माय गॉड, कुलदीप यादव, बुमराह, रोहित शर्मा, मुझे रोना आ रहा है भाई। हम देखिए, मैं पाकिस्तानी, मेरा भी दिल करता है कि हम लोग जीते, लेकिन जब मैं इंडियन के प्लेयर्स को देखती हूँ और पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह काश मैं इंडिया में ही पैदा हो जाती। 250 पे तो काम नहीं बनेगा, कम अज़ कम 400-350 के दरमियान अगर टारगेट देंगे तो तब जाके हमारे बॉलर शुरू में अगर आउट करेंगे, अदरवाइज ये कोहली कहाँ जाएगा, हमें यकीन करो 250 पे तो कहाँ ही जाएगा। ओ भाई तेनों पता ही नहीं है, मैं रात भर आता है भाई, लड़ पड़े हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने में कुछ देर रह गई है, कौन सी टीम पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है आपको? ऑब्वियसली पाकिस्तानियों पे जो है वो ज्यादा प्रेशर है, इनका ना मतलब कुछ पता नहीं होता, कभी कभी इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने सब कुछ कर देना है, और जब इंडियन टीम आती है तब बिगी बिली बन जाते हैं। पाकिस्तान पे जाहिर सी बात है प्रेशर है, आपको भी पता है। इंडिया पे प्रेशर है ज़्यादा क्योंकि हमारे पास बाबर आजम है। वो तो आपको फिर पता लगेगा जब मैच स्टार्ट होगा, जब विराट कोहली परफॉर्म करेगा। बेटा बाबर ही है तो तुम लोगों को कल पता चल जाएगा। भाई बाबर नया इन हुआ है, नई 150 मारी है, विराट एक पुराना प्लेयर है। पाकिस्तानी पूरी टीम पे भी प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि हम तो बाबर आजम पे रिलाय करते हैं, आप देख सकते हैं बाबर आजम रिजवान आउट हो तो उसके बाद लाइन लग जाती है। चाचा है ठीक है, कभी कभार खड़ा हो जाता है, लेकिन उनके जो इंडिया में अगर बैट्समैन देखें उनके बैट्समैन ज़्यादा और आखिर तक उनकी बैटिंग है ठीक है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में खेलते हैं, और उनका हमारे जो नसीम वगैरह ठीक है आखिर में एक दो चौके मार लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है जो 70-80 स्कोर वो आके फिनिश कर ले। लेकिन इंडिया की तरफ अगर आप देखा जाए तो वो लॉन्ग टर्म उनकी बैटिंग है, लॉन्ग जो है ना बॉल आखिर तक है, और वो लास्ट टाइम पर वो फिनिशर है, तकरीबन 90% टीम फिनिशर। अगर बुमराह को मेरा ख्याल से कुछ नहीं आता होगा उसके बाद पूरी टीम ही फिनिशर है। टफ टाइम तो देने वाली है इंडिया पाकिस्तान को। कौन सा ऐसा इंडिया का बैट्समैन बॉलर नजर आ रहा है जो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देने वाला? ऑब्वियसली विराट कोहली हमेशा की तरह, और उसके बाद जो इन्होंने इस दफ़ा सिलेक्शन किया, ओ माय गॉड, कुलदीप यादव, उसके बाद बुमराह, रोहित शर्मा, मुझे रोना आ रहा है भाई। हम देखिए, मैं पाकिस्तानी, मेरा भी दिल करता है कि हम लोग जीते, लेकिन जब मैं इंडियन के प्लेयर्स को देखती हूँ और पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह काश मैं इंडिया में ही पैदा हो जाती। अगर पाकिस्तान इनके टॉस जीत जाए तो पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सेम ही है, तो मैं समझता हूँ जिस तरह मुल्तान में से स्कोर किया ना, ठीक है फर्स्ट बैटिंग ही करना चाहिए, अदरवाइज अगर पिच की कंडीशन पे ऊपर है अगर उनको पहले बॉलिंग करना चाहिए, अगर बारिश होती है तो फिर बॉलिंग कर लें, ठीक है शाहीन अपनी स्विंग से, और थोड़ा सा बारिश वगैरह होगा, पिच भी गीला होगा तो स्विंग से मेरे ख्याल से इंडिया के ऊपर सीधा हम हावी हो सकते हैं और हम मैच अब आसानी जीत सकते हैं। कितना टारगेट पाकिस्तान अगर दे तो लाइक इंडिया को प्रॉब्लम होगी, लाइक उनके पास बैटिंग तो सके, एक बैट्समैन भी टिक गया आपको पता है, कुछ भी कर देते हैं वो, कितना टारगेट हमारे लिए जो इंडिया चेजेबल नहीं करोगे? सर 340 से 390 तक तकरीबन, यानी 354 और 400 के दरमियान हो तो हम कर सकते हैं कि चलो ठीक है शुरू में अगर विकेट ना भी रही तो बाद में कंट्रोल कर लेंगे, अदरवाइज अगर 300 टारगेट या 250 इस तरह तो फिर तो आप भूल ही जाएंगे आप मैच जीतेंगे, क्योंकि यह तो कोहली का अकेले का स्कोर है इस तरह, बाकी जो है ना सूर्य कुमार यादव है ठीक है वो भी इस तरह, तो ये 250 पे तो काम नहीं बनेगा, कम अज़ कम 400-350 के दरमियान अगर टारगेट देंगे तो तब जाके हमारे बॉलर शुरू में अगर आउट करेंगे, नसीम शाह आउट करेगा, शाहीन करेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी, अदरवाइज ये कोहली कहाँ जाएगा, हमें यकीन करो 250 पे तो कहाँ ही जाएगा। और विराट सिर्फ एक्ट्रेस के साथ ही अच्छा लगता है, मैच में अच्छा नहीं खेलता हुआ लगता है, ये आपको अच्छे से पता है कि किस तरह वो खेलता है, जब खेलता है तो पूरा मैच अकेला वही जितवाता है। पाकिस्तानी टीम की कैसी तैयारी नजर आ रही है? पाकिस्तानी टीम की तैयारी तो अच्छी आ रही है, जैसे ODI फर्स्ट नंबर पर आ गया तो दैट इज अ गुड थिंग, बट द थिंग इज कि कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से हम बिल्कुल ही फुस हो जाते हैं, तो तैयारी तो अच्छी है, लेकिन द थिंग इसके दिल से दुआएं तो यही है कि पाकिस्तानी टीम जीत जाए, लेकिन चांसेस इंडिया के लग रहे हैं, क्या करें, वो कह रहे हैं दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तानी टीम जो है वो नंबर वन तो बन गई है, बट मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो इंडिया के सामने इस तरह क्यों हो जाते हैं, बिगी बिली क्यों बन जाते हैं, इतने जो है वो अपने इनका कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो जाता है, पता नहीं इनके सामने क्या होता है, तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगी प्रेशर ना लाना, जीत जाना प्लीज़। देखिए दोनों टीम के ऊपर प्रेशर तो होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच होता है ये कोई सिंपल मैच नहीं होता कि जी हार गए जीत गए जीत गए, ऐसे नहीं है, दोनों पर प्रेशर होता है ठीक है, दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देंगे, प्रेशर है और पूरी कौम एक्साइटेड है, इंतजार करिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ना, पाकिस्तान भी हमेशा से अपनी बॉलिंग के लिए बहुत डोमिनेट करता रहा है, इंडिया के पास भी बॉलिंग का बहुत अच्छी आ गई है, बॉलिंग का भी इंडिया प्रेशर देगा, इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन तो ऑलरेडी हैं। नहीं देखिए, इंडिया के पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, उनके बॉलिंग अच्छी भी हो तो उनके जो चर्चे होते हैं वो बैट्समैन भी होते हैं, और हमारी बैटिंग अच्छी भी हो तो हमारे चर्चे बॉलर पर ही होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है हमारी बॉलिंग अटैक जो है वो 90 के दहाई से शोएब अख्तर के और इमरान खान ये सारे आप देखें सब जगह पर बॉलिंग अटैक ही है ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मशहूर है अभी बाबर आजम, मेरे ख्याल से ये मॉडर्न एरा का जो है ना वो बाबर आजम ऐसा प्लेयर है जो एज अ बैट्समैन इतना वो हाई चले गए, नहीं तो हमारे बॉलर ही हमेशा वो टॉप पर होते हैं। सर रोहित शर्मा की बड़ी बातें हो रही है क्योंकि ODI का मास्टर माना जा रहा है उसे, डबल सेंचुरी में लाइक उसे हिटमैन कहते हैं रोहित,
रो हिट कहते हैं उसको, उसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, देखिए डोमिनेट तो वो करता है ठीक है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही वो बहुत सेंसिबल खेलता है ठीक है। अगर शुरू में वो भी मेरे ख्याल से ओपनिंग में ही आता है, ओपनर आता है, अगर वो भी आउट नहीं हुआ तो वो भी इस चीज़ की सलाहियत रखते हैं कि वो कोहली को चांस ही नहीं देता, फिर वो कहता है चलो यार बैठा ही रहे मैं काफ़ी यहाँ ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा टारगेट विकेट लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका एक एक बैट्समैन ऐसा है कि क्रीज पे खड़ा हो तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है 7 आउट हो गए 8 हो गए, वो अश्विन तक उनकी बैटिंग जाती है ठीक है। कि ओपनर को जल्दी आउट करो और कोहली को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बाकी जो लोग ठीक है लेकिन कोहली को बिल्कुल, लास्ट टाइम भी उसने फिनिश किया था, इस बार भी फिनिश कर लेगा। अगर फर्स्ट बैटिंग है तो फिर सबको मैं समझता हूँ 200 से पहले 250 से पहले आउट करो ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, नहीं तो सर बहुत मुश्किल होगी, बहुत टफ टाइम मिलेगा और हार जाएंगे फिर।